दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आपका टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक चलेगा वो तो आपका टॉपिक चल ही रहा था, वैश्विक भूगोल। ठीक है, हम लोग वैश्विक भूगोल को पढ़ रहे थे। हम सिर्फ और सिर्फ भारत का नहीं, विश्व की बात कर रहे थे। और उसमें हम लोग पढ़ क्या रहे थे, एशिया का चैप्टर आपका चल रहा था। एशिया का फर्स्ट सेकेंड जो लेक्चर है मैंने वो अपलोड कर दिया है, वो कम्प्लीट हो चुका है। ये आपका एशिया का थर्ड लेक्चर चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अभी आपका एशिया महाद्वीप का स्पेशलिस्ट लेक्चर चल रहा है। जब एशिया का कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो आपकी बाकी जो 6 महाद्वीप बचेंगे हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना तो सभी है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, प्रादेशिक भूगोल। वैश्विक भूगोल के अंतर्गत जो लेक्चर का नाम है वो आपका यही है, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इसे बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे क्या, एशिया। एशिया का चैप्टर चल ही रहा है, जानते हो। अब एशिया के बारे में आप पढ़ोगे सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। होता है ना, आप किसी अगर किसी व्यक्तित्व को जानने के लिए आप किसी का जीवन परिचय जो पढ़ते हो, तो किस लिए पढ़ते हो, ताकि आप उसके व्यक्तित्व को पहचान सको, उनके लाइफ में क्या घटनाएं घटी आप उसको समझ सको, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम हमें कैसे पता चलता है, हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे पहचान पाते हैं, जब उसके बारे में हम कुछ जो सामान्य परिचय, कहें तो जैसे कि जनरल, जो यहाँ पे लिखा है कि सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में क्या बातें हो जाती हैं, यही सब होता है ना, कि वो व्यक्ति मतलब कैसा है, उसके गुण क्या है, व्यवहार क्या है, ठीक वही बात यहाँ लागू होती है। अब एशिया का सामान्य परिचय कहें तो जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें इसका क्षेत्रफल कैसा है, किसकी दृष्टि से ज़्यादा दिखता है, क्या कैसे किसमें इसमें क्या क्या चीज़ें अधिक पाई जाती हैं, कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब सामान्य परिचय में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद रखिए इसको गहराइए में हम चलेंगे। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एशिया के नदियों के बारे में, ठीक है, एशिया की जो नदियाँ थी 16 नदियाँ हैं। ठीक है, मैंने वो पढ़ा दिया है। अब बाकी जो अभी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एशिया के प्रमुख देश कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। अभी आपको आप वैश्विक भूगोल पढ़ रहे हो, तो उसमें जितनी जानकारी आप देखते जाओगे ना, तो एक एक से जानकारी सामने आती ही जाएगी। ठीक है, तो इसका नॉलेज बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखना है, अभी तो ना के बराबर हम लोग बहुत सीख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सामान परिचय, तो वही हम अभी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एशिया का, उसके बारे में आगे बहुत डिटेल अभी है इसमें जानने में। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है। देखिए लिखा है एशिया जनसंख्या मत क्षेत्रफल, मतलब एशिया जो है वो जनसंख्या, मतलब देखिए एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल कहे तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दो बात पकड़ना, यहाँ पे जनसंख्या पॉइंट और दूसरा जो है क्षेत्रफल का हम यहाँ देखिए एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल इन दोनों की दृष्टि से कहा जाए। कहने का मतलब ये कि जो आपका एशिया महाद्वीप है, आपके 7 महाद्वीप हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा आपका एशिया आता है। ठीक है, तो एशिया जो महाद्वीप है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, ये तो हम अच्छा जो आपकी एनसीईआरटी है 6th 12th की हो गया, या फिर 8th की 7th के हैं, ये सब चीज़ें हम उसी में जान चुके थे। ठीक है, उसमें आपका जो ज्योग्राफी है ना, पृथ्वी ये दिया है ना, पृथ्वी और हमारा जीवन जो कक्षा 6 की बुक है एनसीईआरटी, उसी इस चीज़ें आपको उसी में पढ़ने को मिल जाती है। तो ये सब बहुत दिन से हम रटते चले आ रहे हैं महाद्वीप वगैरह के बारे में। ठीक है, तो बहुत दिन से ये सब पता है। यहाँ पर देखिए एशिया जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या वो भी विश्व का, सिर्फ स्पेसिस्ट ने विश्व का बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा महाद्वीप है एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डारे इसको बोलेंगे डार्डेनेल्स। ठीक है, डार्डेनेल्स और बॉस्पोरस जल संधियाँ, और इसे बोलेंगे इसे हाँ जल संधियाँ अलग करते हैं। कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप समझ के चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि यूरोप से मतलब एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत है आपका, और डार्डेनेल्स और ये क्या था हाँ बॉस्पोरस और जल संधियाँ, यही ऐसे सागर है जो इसको अलग करती है, इसको यूरोप एशिया को यूरोप से अलग करती है। बाई चांस आपके एग्जाम में आ गया जैसे कि यूरोप से वो कौन से ऐसे सागर है, कौन से ऐसे पर्वत है, कौन से ऐसी संधियाँ हैं जो आपके एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है, तो ऑप्शन में आपको पता होगा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत हो गया, और आपको यहाँ पे जो डार्डेनेल्स है ये हो गया, और बॉस्पोरस जो संधियाँ हैं ये ऐसे सागर हैं जो संधियाँ हैं, ऐसे पर्वत हैं जो आपका एशिया को यूरोप से अलग करते हैं।
क्लियर, आपके दो आंसर निकल के इसमें आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अलग करते हैं आपको दिया, देखो एक हो गया आपका भूमध्य सागर, एक हो गया आपका काला सागर, ठीक है, और एक यहाँ पे आपका दिया है कैस्पियन सागर, यूरार पर्वत ध्यान में रखना, और डार्डेनेल्स को ध्यान में रखना, और बॉस्फोरस, बॉस्फोरस संधियों को ध्यान में रखना। यही ऐसी संधियाँ हैं, ऐसे ऐसे पर्वत हैं, ऐसे सागर हैं जो आपके एशिया को यूरोप से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, अलग करते हैं। अब आगे चलते हैं, वही बेरिंग संधि से उसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एक बात यहाँ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बेरिंग, और अगर वही हम बात करें कि एशिया को, कि वही अगर हम बात करें कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी संधियाँ अलग करती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ये उत्तरी, मतलब जो आपका एशिया है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। कौन सी संधि, यहाँ लिखा है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ये उत्तरी अमेरिका से अलग करती है एशिया को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन, आपके तीन पॉइंट निकल गया है। फिर यहाँ पे जो दूसरा आपका लिखा है, क्या लिखा है, देखिए, एशिया निर्जातीय विविधता के आधार पर एक संपन्न महाद्वीप है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा है निर्जातीय विविधता, आपको पता होना चाहिए कि विविधता का अर्थ आपको पता है कि अलग अलग, वहाँ पे पढ़ के ही लग रहा है, जैसे भिन्नता पढ़ती हो ना, अलग अलग हो गया, विविधता मतलब अलग अलग हो गया, और यहाँ पे जो लिखा है निर्जाति, निर्जाति का मतलब ये हो गया जैसे कि जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, ठीक है, अपना अलग एक क्षेत्रफल होता है, एक अपना राष्ट्रीयता, जैसे राष्ट्रीयता हो गया क्षेत्रफल, एक अपना अलग से क्षेत्रफल हो गया, और कहें तो जैसे वंश के आधार पर ये जो चीज़ें अलग अलग होती है ना, उसे बोलते हैं निर्जातियाँ। मतलब कहने का ये है कि जो निर्जाति के अंदर जो लोग आते हैं, जो जातियाँ आती हैं, उनका एक अलग सा ही अपना समाज होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चाहे वो राष्ट्र के आधार पर कहें, ठीक है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता हो जाए, या उनके वंश के आधार पर हम बताएं आपको, या फिर हम कहें कि उनका रहने का, रहन सहन, उठना बैठना, समाज में उनका सब तौर तरीका बाकी लोगों से बहुत क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। यहाँ पे देखिए, तो वही कह रहा है, तो यहाँ समझ में आया कि निर्जाति विविधता मतलब उनका एक अलग से तौर तरीका, उसे बोलेंगे निर्जाति विविधता। एशिया महा, एशिया निर्जाति विविधता, वही कह रहा है कि एशिया में अलग अलग तरह की जो जातियाँ हैं उनके अलग अलग रहने का तौर तरीका, वो जो अलग अलग चीज़ें, हम लोग कहते हैं ना कि भारत में हर चीज़ें पाई जाती हैं, वैसे कहने का मतलब ये है कि एशिया में, एशिया में हर प्रकार की चीज़ें, यहाँ हर मतलब निर्जाति मतलब हर प्रकार की चीज़ें अलग अलग यहाँ पे संपन्न, एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सब कुछ पाया जाता है, ये एक संपूर्ण महाद्वीप है, यहाँ कह रहा है ना संपन्न महाद्वीप जिसमें सब कुछ उपस्थित हो। ठीक है, तो वही कह रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ये कॉकेसायर, यहाँ पे ध्यान रखना कॉकेसायर, नीगो और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेंगे ज्योग्राफी में, आपको कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि आप एक बार को, आप एक बार बोलोगे प्रॉब्लम होगी, बट आप उसे रिवीजन करते जाओगे, एक दो बार पढ़ते जाओगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम सीखती हो तो आपसे मिस्टेक होना वो ज़रूरी होता है, मिस्टेक होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप मिस्टेक से ही सीखते हो। अगर एक बार गलती हो गई तो आप फोकस करोगे, यार ये गलती मुझसे हुई कैसे, ठीक है, अब कोशिश करो कि दोबारा ना हो। तो ऐसा क्या होता है, आपको गलतियाँ ही सिखाती हैं अनुभव करना। ठीक है, अगर आपके, एक बात मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी चीज़ के प्रति अगर अनुभव रखते हो ना, तो ये तो बाद में चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि आपसे, आपके लाइफ में कभी आपसे गलत काम हो ही नहीं सकता यदि आपके पास अनुभव है तो, क्योंकि अनुभव जो होता है वो कभी आपसे गलत काम होने ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो इस चैप्टर का मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैंने इसका क्या किया है, पहले से मैंने इसे पढ़ के रखा है, अब मैं समझ चुकी हूँ तो मुझे अनुभव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब क्या पढ़ने के दौरान मुझसे मिस्टेक नहीं हुआ होगा, बहुत हुए होंगी गलतियाँ, है ना, हुई होगी ना, तो उससे मुझे अनुभव मिल गया कि अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझसे यहाँ गलती ना हो सके। ठीक है, तो एक क्या है, अनुभव हो गया। तो अनुभव अगर आपके पास है तो आप कभी भी कोई भी काम गलत नहीं करोगे, और क्योंकि आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप गलत भी काम करना चाहोगे ना, तो उसका भी अनुभव आपको कहे, यार मैं ये काम कर रहा हूँ मुझसे ये मिस्टेक होगी तो इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या दिखेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के प्रति ना अनुभव लेना सीखिए, जो ये जो आपके लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ देखो डिफिकल्ट वर्ड है, बाई चांस उससे ही मिस्टेक हो जाती है, भाई मिस्टेक होगी क्योंकि हम लोग सीखने के रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है भाई, मतलब एक आपका जो एशिया महाद्वीप है ये संपूर्ण संपन्न है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ें पाई जाती हैं, संपन्न महाद्वीप है। ठीक है,
आगे देखते हैं, ये कॉपी साइड देखो, ये जो आपको डिफिकल्ट वर्ड मिल रहे हैं ना, ये जाति है, मतलब ये जाति का नाम है, ठीक है। आप जानते हो कि हमारी रिट्रीव ऐसे ऐसे जातियाँ हैं जिसको भी बहुत से हम लोग बहुत जातियों को भी जानते ही नहीं है, बहुत सी जातियों का भी पता ही नहीं लग पाया है, और बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं, मैं आपको आगे बताऊँगी। मैंने पूरा सा लिस्ट, पूरा उसका फेयर मैंने बनाया है कि कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये कॉकेसायड जो है ना, ये एक जाति का नाम है। कॉकेसायड हो गया, निग्रो हो गया, आप लोगों ने सुना होगा निग्रो, ठीक है। वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जातियाँ, जाति के लोग निवास करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एशिया जाति विविधता के आधार पर एक संपन्न महाद्वीप है। यह कॉकेसायड निग्रो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं आपके एशिया महाद्वीप में, ठीक है। आगे चलते हैं, वही तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि एशिया महाद्वीप में दो, मतलब एशिया महाद्वीप में ही जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के दो सबसे बड़े देश इसमें रहते हैं। मतलब अभी मैंने आपसे कहा, ऊपर आपने क्या पढ़ा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से आपका जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि विश्व के दो ऐसे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि विश्व के दो ऐसे देश हैं, ठीक है, जनसंख्या के मामले में वो भी इसी आपके इसी महाद्वीप में स्थित है, भारत और चीन। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में ही जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के दो सबसे बड़े देश कौन, यहाँ पे देखिए चीन है और भारत है, ये दोनों भी इसी एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, और कभी अगर आपको मिले कि जैसे कि भारत हो गया, भारत देश हो गया, या फिर चीन, ये दो ही किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको बेझिझक वहाँ पे टिक आपको कर देना है एशिया महाद्वीप, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर यहाँ पे लिखा है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एशिया को निम्नलिखित प्रमुख भागों में वर्गीकृत, मतलब बांटा जा सकता है, बांटा गया है। अब क्या, जैसे पहला हो गया उत्तरी निम्न भूमि, दूसरा हो गया मध्यवर्ती निम्न भूमि, मतलब मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तीसरा हो गया आपका पठारी क्षेत्र, चौथा हो गया आपका द्वीप समूह। ये देखो, अब देखो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या है कि अगर हमें, आपको पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का वर्ग है भारत का पूरा पूरा क्षेत्रफल, आप अंदाजा लगा सकते हो कि शासन वाली व्यवस्था पहले भी डिफिकल्ट थी, आज भी है, ठीक है। हालांकि दोनों डिफरेंट है, कल क्या थी आज क्या, तो आज अलग है, ठीक है, बात सही है। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इतने बड़े देश को, इतना बड़ा क्षेत्रफल इसका है, आपको मैंने बताया, इतने बड़े देश को क्या एक जगह बैठ के आसानी से संचालित किया जा सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हमारे यहाँ भी केंद्रीकरण की नीति चल रही है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारे यहाँ स्थानीय लोकल चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ताकि अच्छे से क्यों बांटा गया हमारे यहाँ प्रशासन को, इसलिए क्योंकि ताकि अच्छे से चलाया जा सके, हमारे यहाँ जो प्रशासन की व्यवस्था क्यों बांटा गया, इसीलिए ना, ताकि अच्छे से किसी को भी किसी प्रकार की कष्ट ना हो, ठीक है, अच्छे से हमारे देश में शासन हो सके, जो सुविधाएं प्रशासन के तौर से लागू की जाती है वो सभी व्यक्ति तक पहुँच सके, राइट। इसीलिए हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की नीति चल रही है, हमारे यहाँ जो प्रशासन उसे बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो एशिया में, अब बात समझो, यही व्यवस्था अब प्रशासन की वजह से, मतलब प्रशासन अच्छे से संचालित हो सके, इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रशासन वाली व्यवस्था से बांट दिया गया, और यही जो फार्मूला है, अब बाई चांस समझो, अब हमारे यहाँ जो एशिया है, एशिया का क्षेत्रफल कितना, मैं आपको बताई हूँ, ठीक है, एशिया जो है वो कितना बड़ा है आप जानते हो, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है, अब उसको समझ पाना, ठीक है, उसको समझ पाना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि हाँ, अब तो इसी को समझ पाने के लिए क्या किया गया, इसको कुछ भागों में बांट दिया गया। एग्जाम्पल, जैसे आप खेती करते वक्त आप क्यारी बनाते हो कि नहीं, बनाते हो ना, इसीलिए बनाया जाता है ना, ताकि हम इस क्यारी में ये चीज़ बो सकें, इसमें ये चीज़ बो सकें, ठीक है, क्या है, अलग अलग, ताकि पता चले, ठीक है। तो यही वजह, यही फार्मूला यहाँ लागू होता है, आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और उसे समझ पाना, पूरी नॉलेज खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है, कि किसमें क्या है क्या नहीं है, इसीलिए इसको अलग अलग कुछ भागों में से वर्गीकृत किया गया है। वो भाग क्या है, उत्तरी निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, द्वीप समूह। कहने का मतलब ये है कि अब आपका एशिया महाद्वीप जो है, आप उसे ये चार मोटे मोटे पॉइंट में समझ सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे आप अब देखोगे उत्तरी निम्न भूमि, अब आप
आप उसके मैप में जो आपका ईशा महादेव का मैप है उसे आप देखोगे तो उसमें समझोगे ना कि उत्तरी जन्मभूमि कहाँ है। अब इसे आप टॉपिक उठा लिए, अब इसमें समझोगे कि इसमें कहाँ क्या चीजें हैं, ठीक है, इसे समझ। अब दूसरा आप इसे पॉइंट उठा लिए कि मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, अब आप एशिया में देखोगे मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो अब देखो, अब उठा लिए आप पठारी क्षेत्र कहाँ है ईशा महादेव में, फिर ये द्वीप समूह। अब ऐसे करते करते आप इसे अलग बाई आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा, ऐसे आपके टॉपिक भी क्लियर होंगे। जो आपके एशिया पूरा महाद्वीप है आप उसे ऐसे आसानी से समझ सकते हो। तो कहने का मेरा निचोड़ ये है कि एशिया महाद्वीप को चार वर्गों में से बांटा जा सकता है, बांटा गया है इस वजह से ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके, बस बात यही थी। अब आगे चलते हैं, यहाँ जो पॉइंट है उत्तरी जन्मभूमि, यहाँ उठाते हैं उत्तरी जन्मभूमि, अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं यूराल पर्वत और नीला नदी के मध्य उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे यूराल पर्वत जो है और जो नीला नदी है इसके मध्य ही आपके उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार पाया जाता है, इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया कि साइबेरिया का मैदान किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है एशिया को समझने के लिए उसे चार मुख्य भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है, उसमें से पहला है उत्तरी निम्न भूमि। उत्तरी निम्न भूमि को ही साइबेरिया का मैदान कहा जाता है, ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। फिर यहाँ समझना है इस मैदान में ओब इनिसी और लीना नदियों का प्रवाह होता है। अभी समझना, अब इसे पूछ लिया आपसे कि साइबेरिया का जो मैदान है इसमें किन किन नदियों का प्रवाह होता है, तो आपको बताना है ओब नदी हो गया, एनिसी हो गया, लीना हो गया, इन सब नदियों का प्रवाह पाया जाता है, मतलब बहाव, ठीक है। ओब व एनिसी नदी का निकासन, मतलब इसका निष्कासन जो ये बहती है आकृतिक और महासागर के क्या लिखा है कारा सागर में, तथा लीना नदी का विकास आर्कटिक महासागर के लाप्टेव सागर में होता है, ठीक है, ये सब सागर के नाम है, बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझना होगा, ठीक है, आर्कटिक महासागर के लाप्टेव सागर में होता है। कहने का मतलब एक बार फिर समझ लो, तो शायद आपको ये टॉपिक नीचे ना दिखता हो, ठीक है, कट गया हो, फिर से बता देती हूँ। इस देखो ये दूसरा पॉइंट है, इस मैदान में ओ एनिसी और लीना नदियों का प्रभाव होता है, कौन सी नदी में, कौन सी यहाँ पे इसका उत्तरी निम्न भूमि का मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस मैदान में ओब एनिसी और लीना नदियों का प्रभाव होता है, ओब वाले ओब जो है ओब नदी, ओब व एनिसी, ओब और एनिसी नदी का निष्कासन आर्कटिक महासागर के कारा सागर से तथा लीना नदी का विकास आर्कटिक महासागर के लाप्टेव सागर में होता है, ठीक है, इसके विकास की बात कर रही है। इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी स्थित है, जो मीठे पानी की झील है, ठीक है, एक बात याद रखना। जो आपका यहाँ पे मैंने कहा कि अब एक बात समझना, जो उत्तरी निम्न भूमि है एशिया को समझने के लिए चार भागों में बांटा गया, पहला है उत्तरी निम्न भूमि। अब इसको इसमें आपके क्या क्या पॉइंट आया समझ में आया, इसमें पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, अगर पूछता है कि साइबेरिया का मैदान किसे कहा जाता है तो आपको बताना है उत्तरी निम्न भूमि, ठीक है। उत्तरी निम्न भूमि है क्या, ये एशिया का क्षेत्र है, ठीक है, जिसे समझने के लिए इसे बांट दिया गया है। फिर यहाँ समझना है आपको कि अच्छा ये बताओ बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है आपको बताना है उत्तरी निम्न भूमि में, ठीक है, वही बैकाल झील है। और एक बात याद रखना है बैकाल झील जो है ना ये मीठे पानी की झील है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इतने सारे पॉइंट आपकी कवर होती है, तो ये थी एक जनरल इंट्रोडक्शन एशिया का, ठीक है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।